सत श्री अकाल नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा अपना गुरविंदर सिंह। तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू ब्लॉग। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। इन्नी दिनी प्रोसेसिंग टाइम नू लैके बहुत तरह की चर्चा सोशल मीडिया से छिड़ी है, भावें VFS ग्लोबल की गल कर लिए, IRCC दिल्ली की गल कर लिए, वीजा स्टैंपिंग की गल कर लिए, या फिर रिजल्ट नू लैके बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग दे विच या एप्लीकेंट के दिमाग दे विच चल रही है। खास करके 61 जिहड़े डिप्लोमैट्स सीगे उन्हां दे विचों 41 डिप्लोमैट्स ते चले जाण तों बाद जिहड़े 21 डिप्लोमैट्स रह गए ने उन्हां नूं लै के ते IRCC दा जिहड़ा स्टाफ रह गया उहनूं लै के, क्योंकि किसे वीडियो दे विच तुसीं देखते हो कहा जाता है कि 41 डिप्लोमैट्स जिहड़े जदों वापस चले गए तां 27 उहदे विच IRCC दे स्टाफ सीगे वापस, जिन्हां दे विचों 22 वापस चले गए, 5 IRCC दे मैंबर रह गए। एक्चुअल दे विच टोटल अंकड़ा है कि अज इन्हां दी गिनती मिनती तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगा अज दे वीडियो दे विच। फैक्चुअली ते रिसर्च बेस्ड वीडियो होण वाली है। नाल दी नाल अफवाहां तों बचो, बंद की होया है, प्रॉब्लम कित्थे है, प्रोसैसिंग टाइम की दी घटी है, क्योंकि देखो एजेंट की है पढ़ते हैगे नहीं है, बस आण के वीडियो बनाउण दे उत्ते ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं या ज़्यादा जोर लगाउंदे आ। जो पहला वीडियो बनाई सी उहदे विच मैं बकायदा तौर पर VFS ग्लोबल का वो ट्वीट दिखाया सीगा जिस दे विच कहा सीगा कि किते भी बायोमैट्रिक बंद नहीं हो रहा है, VFS सेंटर क्लोज नहीं हो रहा है, इहनूं गलत ढंग दे नाल प्रजेंटेशन ना की जाए, लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए। उदों हला हला करके सारे ने वीडियो बना दिता। उस तो बाद प्रॉब्लम कित्थे आती है कि वो एक उस चीज़ को आधार बना के उस तो बाद कई वीडियो जिहड़ियां ने सोशल मीडिया पर वायरल होने। हुण गल आपां सब तो पहला करते हैं कि VFS ग्लोबल एक्चुअल दे विच की है, तो उस तो अलावा IRCC जिथे तुहाडा पासपोर्ट हुण प्रिंट होण वास्ते जांदा है वो एक्चुअल दे विच की है, इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस तुहानूं दस दिंदा। दरअसल जिहड़ा IRCC दिल्ली का ऑफिस है उहदे विच हुण 5 स्टाफ मैंबर सिर्फ IRCC दे काम कर रहे हैं, तो वो जिहड़ा काम कर रहे हैं स्टैंपिंग दे उत्ते कर रहे हैं, तो जिहड़ियां भी एमरजेंसी सर्विसेज ने वीजा तो रिलेटेड उन्हां ते काम कर रहे हैं, उन्हां 5 दे नाल नाल टोटल 21 स्टाफ मैंबर जिहड़ा है वो कैनेडा दा इंडिया दे विच रह गए ने, 21 डिप्लोमैट्स रह गए ने। 21 डिप्लोमैट्स दे विचों जेकर 5 IRCC दे मैंबर कढ दित्ते जाण तां जिहड़े भी बाकी 16 स्टाफ मैंबर बचे वो बाकी दा काम जिहड़ा वो कैनेडा ते इंडिया दे विचकार जो भी रिलेशन होएगा उन्हूं लैके करनगे। हुण इहदा आंकड़ा माड़ा जिहा तुहानूं प्रॉपर ढंग नाल समझा देना, टोटल इंडिया दे विच 61 डिप्लोमैट सीगे, यानी 61 डिप्लोमैट सीगे, उहदे विचों 41 डिप्लोमैट्स वापस गए। जिहड़े 61 डिप्लोमैट सीगे उहनां दे विचों 27 IRCC दे स्टाफ वर्कर सीगे, ते बाकी जिहड़े ने उन्हां 27 तों अलावा वो बाकी होर काम जिहड़ा वो देखदे सीगे। हुण जिहड़े 27 IRCC दे स्टाफ मैंबर सीगे वो IRCC दिल्ली दे ऑफिस तों अलावा चंडीगढ़ सने होर कई वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दे उत्ते बैठदे सीगे। हुण उत्थे जिहड़ा होर इन्हां दे कंसुलेट ऑफिस ने उत्थे बैठदे सीगे, ते जिहड़ा IRCC दे बिहाफ दे उत्ते कंसुलेट जिहड़ा उत्थे काम करदा सीगा, यानी कि जिहड़ा भी एम्बैसी तों रिलेटेड वर्क है। एक चीज़ ध्यान रखो, जिहड़ा VFS ग्लोबल है ये एम्बैसी नहीं है जी, ये चीज़ नोट कर लो। जिहड़ा भी VFS ग्लोबल है एक थर्ड पार्टी है, इन्हां दा काम की हुंदा कि तुहाडे बायोमैट्रिक लैणे, बायोमैट्रिक तुहाडे रिसीव करदे ने ते वो एम्बैसी तक पहुँचाउंदे ने, तुहाडा पासपोर्ट जे प्रिंट करवाउणा तुहाडे तों कलैक्ट कर लैंदे ने ते उहदी प्रिंटिंग वास्ते उहनूं जिहड़ा वो IRCC दिल्ली भेजदे ने। हुण हुंदा की सीगा, पहला जेकर कंसुलेट दे मैंबर यानी कि IRCC दे मैंबर जेकर उत्थे बैठदे सीगे कंसुलेट वर्क करदा सीगा, इहदा मतलब है कि एम्बैसी दा एक रिप्रजेंटेटिव हुंदा सीगा उत्थे। हुण जदों स्टाफ मैंबर घट गए ते ओह रिप्रजेंटेटिव जिहड़े ने उत्थों हटा ले गए ते मेन ऑफिस दिल्ली दे विच ही रखे गए। उस तों अलावा जिन्ने भी उन्हां दे कंसुलेट ऑफिस सीगे जिहड़े इत्थे इन परसन सर्विस या होर जिहड़ियां कोई भी एम्बैसी दे बिहाफ ते सर्विसिज जिहड़ियां दित्तियां जांदियां सीगियां ओह बंद कीतियां गईयां। बायोमैट्रिक जिहड़ा वह VFS ग्लोबल का काम सीगा वह नॉर्मली चल रही ने, बकायदा तौर पर VFS ग्लोबल का ट्वीट एक बार फिर तुम्हें दिखा देना, पिछली वीडियो जाके देख लो, मैं बिल्कुल क्लीयर किया यह VFS ग्लोबल का ट्वीट उस दिन आ गया सीगा। पैरलर वो जदों भी जदों इमीग्रेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी वो पैरलर यह बयान दिता जाता है, फिर कन्फ्यूजन तो होनी नहीं सी चाहिए, सगों सानू चाहिए कि टाइम लईए
आके सही जानकारी सोशल मीडिया से रखी। इदा नहीं है कि इतने जल्दबाजी के आके कुछ भी गा के चल जाओ फिर पता ही नहीं लगता। अद्धे बच्चे तो यही घूमे फिरते यार, बायोमैट्रिक बंद हो गए, जलंधर वाला ऑफिस बंद हो गया, इन्हों का दिल्ली चंडीगढ़ ऑफिस बंद हो गया। देखो VFS सेंटर ते एम्बैसी दे विच फर्क तुसी समझ गए। हुण उस तो अलावा एक चीज़ होर बहुत वड्डी कन्फ्यूजन जिहड़ी है वह क्रिएट करती है, खास करके कि बायोमैट्रिक की अपॉइंटमेंट नू लैके कोई इशू आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हों का स्टाफ मैंबर पूरा ने। बायोमैट्रिक का हो जेकर तुसी अपॉइंटमेंट लैनी अपनी स्टैंपिंग वास्ते कितने दिक्कत नहीं आ रही, किसी तरह की सर्विस भी जी उन्होंने प्रोसैसिंग टाइम के उत्ते डिले नहीं हो रही, सिर्फ हो रही है तो स्टैंपिंग जो थोड़ा पासपोर्ट जा रहा है तो देर में उतों रिटर्न हो रहा, देर में मिल रहा। उस तो अलावा 89% एप्लीकेशन इंडिया तो बाहरों जो प्रोसैस होंगे ने, सो उन्होंने उत्ते भी इंपैक्ट नहीं है। नॉर्मल प्रोसैसिंग टाइम तो थोड़ा वध टाइम जरूर लग रहा, हाँ किसी किसी एप्लीकेशन से वध टाइम लग जाता है, बट नॉर्मली एप्लीकेशन विद इन टाइम पीरियड जो दिता हुआ Canada.ca मैक्सीम एप्लीकेशन जो प्रोसैस हो रही ने तकरीबन 50% तो प्लस। हूँ मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन जो बाहरों करा रहे हैं तो फिर उन्होंने बहुता इंपैक्ट नहीं पैना। हाँ जिथे 27 बंदे काम करते जो 5 बंदे काम करेंगे नॉर्मल जी गल है कि उस चीज़ का तो इंपैक्ट पैना ही है। सो प्रोसैसिंग टाइम में लैके थोड़ा बहुता फर्क पै गया है, तो स्टैंपिंग वगैरह में लैके काफ़ी फर्क पिया है। उस तो अलावा जिहड़ियां भी फाइलों 11% इंडिया तो लगदियां सी, नॉर्मल जी गल है जो 27 मैंबर से 11% उदों इंडिया तो प्रोसैस होंदियां सीगियां, तो हुण वो घटा दित्तियां जाणगियां, नॉर्मल जी गल है। पर हुण दी कड़ी कोई दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिहड़ी आ वो नहीं हैगी, पर जेकर घटा दित्तियां जांदियां ने बाहर नूं डाइवर्ट कर दित्तियां जांदियां ने तां इह जिहड़ा प्रोसैसिंग टाइम है इहनूं मेनटेन दोबारा एम्बैसी कर लो। उस तो अलावा 15 गुरद्वारा कमेटियां दे वल्लों भी एक पत्र लिखा गया विदेश मंत्रालय नूं, अज एक खबर सामने आई है वो मैं तुहाडे नाल शेयर कर देवां क्योंकि चंगी खबर है। उहदे विच विदेश मंत्रालय नूं कहा गया है कि उधर के कारोबारियों ते इधर के कारोबारियों के उत्ते इंपैक्ट पै रहा है इस ई वीज़ा सर्विस जिहड़ी बंद की गई है, BLS दे वल्लों जिहड़ी सर्विसिज़ अपनियां ठप्प कीतियां गईआं ने, सो इन्हां नूं मुड़ बहाल किया जाए। आई होप कि यह जल्दी जिहड़ा मसला वो शॉर्ट आउट होएगा, तुहाडी सारिआं दी टेंशन जिहड़ी है इस वीडियो तो बाद जरूर थोड़ी बहुत हल्की होएगी। चैनल सबसक्राइब कर लो, वध तों वध शेयर करो, तुहाडा अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, असीं वीज़ा फाइलिंग नहीं करदे, मकसद हुंदा है तुहाडे तक सही अथेंटिक रीयल इनफॉर्मेशन पहुँचाइए, किसी भी तरह का प्रमोशनल कंटेंट तैयार ना करिए। चैनल सबसक्राइब कर लो, वक्त बाद शेयर करो, केप्स नोट एस ओपी छल चाहते हो वेलकम है, वीज़ा फाइलिंग नहीं करते इस करके कॉल ना करा करो, प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो नीचे नंबर देता है, अपॉइंटमेंट ले लो, जो टाइम पीरियड होएगा कॉल बैक करा, कोशिश करा तो हर डाउट क्लीयर करा। सत श्री अकाल।